तो भाई काफी लोगों को अपना जो कैमरा होता है सीसीटीवी ये अपने मोबाइल से कनेक्ट करते नहीं आता है। तो चलो जल्दी से हम हमारे मोबाइल से सीसीटीवी कैमरे को कनेक्ट करते हैं। ऐप डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखो, स्कैन द क्यूआर कोड एंड डाउनलोड टेपो ऐप। तो देखो ये डायरेक्ट प्ले स्टोर चालू हो गया है और यहाँ से हम लोग इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। ऐप हमारी डाउनलोड हो गई, इसको ओपन करते हैं। तो ये चालू हुई, क्रिएट टीपी लिंक आईडी, हमको क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करो और यहाँ पर अपना जीमेल डाल दो। मैंने अपना डाल दिया है, इंडिया से लोकेशन तो इंडिया, नेक्स्ट। और अपना यहाँ पर पासवर्ड बना लो एक न्यू। तो वही मैंने अपना पासवर्ड सेट कर लिया है, अब इसको करते सिंक अप। और ये जो मेरा ईमेल एड्रेस है भी शो हो रहा है, तो इस ईमेल पर जाके हमको देखना पड़ेगा कि क्या भेजा है इसने। तो भाई मुझे एक टीपी लिंक की तरफ से एक मेल आया है, तो इसमें मैं क्लिक कर दिया मैंने, एक्टिवेट योर टीपी लिंक आईडी। तो ये 1 घंटे के लिए हमको एक यहाँ पर लिंक दी है, तो इसको क्लिक करना है, हमको रजिस्ट्रेशन करना है हमारा। तो मैंने क्लिक कर दिया है, अब इस पे आ गया है एक्टिवेशन सक्सेस। तो उसके बाद फिर से मैं अपनी ऐप पर आ गया हूँ, अब लॉगिन करेंगे हम। तो मैंने मेरा ईमेल आईडी डाल दिया है और अपन ने जो पासवर्ड सेट करा था वो डालेंगे इसमें अब। तो अब लॉगिन करते हैं हम। तो इस ऐप का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, अब हमको इस सीसीटीवी कैमरे की एक्सेस लेना है इसमें। तो ये जो कैमरा आइकॉन बना हुआ है यहाँ पर, यहाँ क्लिक करेंगे हम। उसके बाद यहाँ पर हमको ऐड डिवाइस करना है और इसमें से जो भी अपने कैमरे का मॉडल नंबर हो वो सेलेक्ट कर लो जल्दी से। हमारे पास जो है ये टेपो C210 है, तो मैं इसको सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। LED ब्लिंक कर रही है कि नहीं कर रही है, रेड और ग्रीन, तो देखो ये कर रही है। अब हमको इसको नेक्स्ट करना है यहाँ से। उसके बाद टर्न ऑन लोकेशन, लोकेशन ऑन रखो आप लोग। तो हमको इसमें वाईफाई चालू करना पड़ेगा और वाईफाई चालू करेंगे तो इसका इंटरनेट बंद हो जाएगा। तो हमको इसको पहली बार जब हम इसकी पेयरिंग इसमें फ़ोन में करेंगे तो हमको वो दूसरे का इंटरनेट यूज़ करना पड़ेगा। तो देखना अपने आप बंद हो जाएगा ये इंटरनेट। तो आप लोग आपके दूसरे मोबाइल का हॉटस्पॉट चालू कर लो, वाईफाई कनेक्शन होगा तो उससे कनेक्ट कर लो इसको। तो देखना मैं वाईफाई चालू करता हूँ इसका, वाईफाई चालू करा मैंने। अब ये देखो टेपो केम लिखा आ गया है इसमें और जो हमारे पास वाईफाई दूसरा उससे कनेक्ट भी हो गया है। तो इंटरनेट देखो ऑटोमेटिकली बंद हो गया। तो आप लोग भी इसको अपना इंटरनेट बंद करके दूसरे वाईफाई से कनेक्ट कर लो। फिर इसको मैं डन कर रहा हूँ। उसके बाद हमको नेक्स्ट करना है यहाँ पर। अब देखो कनेक्ट टू डिवाइस, तो हमको इसको कनेक्ट करना है यहाँ से। कनेक्टिंग टू डिवाइस कनेक्टेड, तो इस कैमरे की फुल एक्सेस हमारे फ़ोन में ले ली है हमने। अब ये हमारा फ़ोन जो है इसका रिमोट बन गया है। अब हम इसको बताएंगे कि इसको किस इंटरनेट कनेक्शन से कनेक्ट करना है। अब पूछ रहे हैं कि किस इंटरनेट कनेक्शन से इस कैमरे को कनेक्ट करना है। तो आप लोग इसको जहाँ पर भी यूज़ करने वाले हो तो वहाँ पर एक वाईफाई लगा रहने को होना, ताकि आप कहीं पर भी दूर चले जाओगे और लाइव आपको फुटेजेस देखना हो तो उस इंटरनेट से कनेक्ट रह के ये कैमरा आप लोगों को फुटेज सेंड कर पाए। तो आप लोगों को वही वाईफाई इसमें इंटर करना है जो ये सीसीटीवी कैमरे के आसपास लगा रहे। तो मैं अपना वाईफाई इसमें इंटर करता हूँ। तो देखो इसमें अगर हमारा वाईफाई शो नहीं हो रहा है तो इसमें अदर नेटवर्क में जाना है आप लोगों को, और आपको आपके नेटवर्क का नाम और पासवर्ड डाल देना है इसमें। और ये चीज याद रखना आप लोगों ने कि इसमें 2.4 गीगाहर्ट्ज़ जो फ्रीक्वेंसी है उसी पे ये सपोर्ट करता है सीसीटीवी कैमरा। तो आप लोग पहले आपके सीसीटीवी कैमरे की फ्रीक्वेंसी देख लेना, फिर उसके बाद ही आप लोगों को वाईफाई से कनेक्ट करना है। नहीं तो आप लोग दूसरी फ्रीक्वेंसी के वाईफाई से इसको कनेक्ट करोगे तो ये होगा नहीं। तो आप लोग इस पे भी ध्यान रखना। तो देखो मैंने वाईफाई का इसमें नाम और पासवर्ड डाल दिया है, मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ। तो ये इसमें देखो शो हो गया है हमारे वाईफाई का नाम और पासवर्ड, और उसके बाद हमको नेक्स्ट करना है। और ये देखो इसमें लिखा आ गया है द टेपो डिवाइस विल कनेक्ट टू फॉलोइंग नेटवर्क, तो नेटवर्क का नाम और पासवर्ड बता दिया है। अब हम इसको नेक्स्ट करते हैं। अब ये जो सीसीटीवी कैमरा है हमारे नेटवर्क से कनेक्ट हो रहा है। तो उसके बाद देखो आप लोग आपके डिवाइस का नाम भी चेंज कर सकते हो, मैं वही रख रहा हूँ। अब इसको यहाँ से नेक्स्ट कर देते हैं। इसमें आप लोग चूज़ कर सकते हो, मैं ऑफिस ही रहने दे रहा हूँ, इसको नेक्स्ट करते हैं। फिर आइकॉन सेलेक्ट कर लो अपने कैमरे का। फिर देखो कंप्लीटेड लिखा आ गया है, साउंड्स गुड, टेपो केयर क्लाउड सर्विस है। तो आप देख लेना आप लोगों को अगर इनकी सर्विस यूज़ करना है तो। मैं स्किप कर रहा हूँ। उसके बाद ये देखो कि सेटअप लोकल स्टोरेज, तो हमने इसमें मेमोरी कार्ड पहले ही लगा दिया है। अब हमारा कैमरे का यहाँ पर आ गया है, तो हम ये मैनेज में जाएंगे। तो देखो हमारा लाइव व्यू चालू हो गया है।
ऑडियो भी चालू था इसमें, हमारा ये सीसीटीवी कैमरा चालू हो गया है और कनेक्ट भी है हमारी ऐप से, हम लाइव व्यू देख सकते हैं। अगर आप लोगों को अब अपना ये वाईफाई बंद करना है तो आप लोग वाईफाई बंद कर सकते हो और इंटरनेट चालू कर सकते हो, क्योंकि हमने इसको एक बार बता दिया है कि इस सीसीटीवी कैमरे को किस नेटवर्क से कनेक्ट रहना है और जो भी फुटेज वो लेगा तो उस नेटवर्क के थ्रू हमारे फ़ोन पे ट्रांसफ़र कर सकता है। तो हम देखो हमारा इंटरनेट कनेक्शन यूज़ कर रहे हैं हम, सेम वाईफाई से कनेक्ट नहीं है अभी। तो इस ऐप में देखो लाइव व्यू चल रहा है अभी, मैं जो आप लोगों को खड़े होकर बता रहा हूँ तो वो मुझे सूट कर रहा है। तो हमारे पास देखो इतने सारे ऑप्शंस हैं हमको जो भी करना है, और अगर हमको कैमरे को घुमाना है तो ये देखो पेन एंड टिल्ट, तो इसको देखो मैं घुमाता हूँ, देखो घूम रहा है ना, जिधर भी चाहे हम घुमा सकते हैं इसको। तो ये चीज़ें तो आप लोगों को पता है, और इसमें हम ऑटोमेटिकली इसको घुमा सकते हैं, वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल भी, ये ऑटोमेटिकली घूमने लगा है। और इसको हम बंद कर देते हैं अभी, और फिर उसके बाद देखना देखो नीचे ऊपर भी हो रहा है। फिर उसके बाद देखो जो प्लेबैक एंड डाउनलोड है, इस ऑप्शन में हमारी सारी फुटेजेस रिकॉर्ड होती है, जितनी भी रिकॉर्डिंग है इसमें सब शो हो रही है। तो आप लोगों को जो भी डेट एंड टाइम की फुटेजेस देखना हो तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर। ऑफलाइन भी रहा अगर ये ऐप से कनेक्ट नहीं है तो भी रिकॉर्ड करते रहता है, तो आप लोगों को यहाँ पर सारी वीडियोस मिल जाएंगी, जिस भी आपको डेट की देखना है और टाइम की, तो आप लोग इसको आगे पीछे करके उस डेट और टाइम के हिसाब से फुटेजेस देख सकते हो। फिर उसके बाद देखो आप लोगों के पेन एंड टिल्ट देख लिया, अलार्म भी इसमें बजता है तो अलार्म सुनो आप लोग, अगर कुछ डिटेक्शन होता है तो अलार्म बजता है उसमें, देखना आप लोगों ने। तो इसको मैंने बंद कर दिया, प्राइवेसी मोड है तो इसको प्राइवेसी मोड करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, फिर उसको एग्जिट कर देंगे प्राइवेसी मोड को। फिर देखो ये जो टॉक है इसमें हम बोल सकते हैं, ये देखना आप लोगों ने, आवाज़ सुनना इसके पीछे की मैं बोलता हूँ। इसमें देखो क्या लिखा है, होल्ड टू टॉक, इसको हम दबा के रखते हैं। हेलो 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 हेलो, आप लोग दिख रहे हो सीसीटीवी कैमरे में, चलो भगो वहाँ से, चलो भगो वहाँ से। तो इसको जैसे ही हम छोड़ेंगे वॉइस लेना बंद कर देगा। यहाँ से हम कॉलिंग भी कर सकते हैं, देखो टेप टू कॉल, अब हम यहाँ से जो भी उधर बोलेंगे तो उधर आवाज़ जाएंगी और उधर से जो भी बोलेंगे इधर आवाज़ जाएंगी। हेलो हेलो, सुना आपने, हेलो देखो। और उसके बाद तो ये चीज़ें मालूम है, अगर आप लोगों को कुछ दिखता है फ़ोटो खींचना है तो आप लोग तुरंत फ़ोटो खींच सकते हो, फ़ोटो खींच आ गई। और वीडियो रिकॉर्ड करना है अगर कुछ एक्टिविटी आपने देखी है, रिकॉर्ड करना जल्दी से, और इसको सेव कर दिया ऑफिस से, सेव हो गया। फिर हम इसको प्लेबैक एंड डाउनलोड में जाएंगे और ये जो डाउनलोड वाला ऑप्शन है इसको क्लिक करेंगे तो ये देखो 10-12 सेकंड की जो अब भी करी थी ये आ गई है हमारे फ़ोन में, और इसको यहाँ से सेव भी कर सकते हो आप लोग। तो गाइस इसका इंटरफेस बहुत सरल है, बहुत जल्दी आप लोग भी सीख जाओगे। और चलो अब हम इसको टेस्ट करके देखते हैं हमारे सीसीटीवी कैमरे को। तो गाइस मैं आउटडोर आ चुका हूँ और ये देखो कुछ इस टाइप का लगाया है यहाँ पर सिस्टम आउटडोर कैमरे को, केबल लंबा करके घर के अंदर से लेके आया हूँ। तो चलो चेक करते हैं इसकी ट्रैकिंग सेंसिटिविटी। अब इसमें देखना मैं जिधर जिधर जा रहा हूँ मेरे को बढ़िया ट्रैक तो कर रहा हूँ, देखो आप लोगों को लाइव फुटेजेस भी दिखा रहा हूँ मैं, और कैमरा भी देखो अपने साइड ही है। फिर से वापस उस साइड जाते हैं, देखो आउटडोर आप लोगों को किस टाइप की फुटेज देखने को मिलती है इस 3 मेगापिक्सल कैमरे से, आप लोग देख सकते हो। देखो पर्सन डिटेक्शन का नोटिफिकेशन आया मेरे को, और ये जो साउंड रिपीट हो रहा है ये उसी के माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रहा है। तो भाई सेकेंड कैमरा आप लोगों को दिखाने के लिए लगाया है कि आप लोग देख पाओ कि पीछे कितना अंधेरा है, और मैं इस कैमरे से वीडियो बनाने वाला हूँ तो आप लोग देखना। तो भाई ये वीडियो टीपी लिंक सीसीटीवी कैमरे से रिकॉर्ड हो रही है, जिसका मॉडल नंबर है C210।
और जो मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को किसी के माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रही है, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि ऑडियो की क्वालिटी क्या है। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो ऐसी नई वीडियो देखने के लिए। मैं मिलता हूँ कोई ऐसी नई वीडियो में, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।